सुना मैं मतलब और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल वही स्टोरी। नाजन आज का व्लॉग बहुत अहम है। अडयाला जेल में बैठे हुए हैं कैदी, साबक वजीर आजम और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से अपने कारकुनों को एक अहम पैगाम दिया गया है और वो अहम पैगाम यह है कि पीटीआई तमाम वर्कर संडे को यानी कि 28 28 जनवरी दोपहर 2 बजे अपने घरों से निकले और पीटीआई का यह वार्म अप मैच खेले। और वर्करों को यह भी कहा गया है कि यह मैच वार्म अप मैच होगा आपका और आप निकले हैं और 8 फरवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा पीटीआई की जानिब से। लेकिन नाज़रीन मज़े की बात आपको बता दूं, दो तरफा एक रियासत के दोहरा मेयार क्या होता है। दोहरा मेयार इस तरह कि एक पार्टी के तो जलसे हो रहे, लाउड स्पीकर भी चल रहा है, रोड पे गाड़ियां निकल रही हैं, वीगो डाले निकल रहे हैं जिन पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है और तो उनकी पार्टी के तरह न चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही इमरान खान साहब ने यह फरमाया कि अपने वर्कर से कि बाहर निकलो और जलसा करो और वह भी इतवार को 2 बजे दिन में, तो दफ़ा 144 पूरे पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में लगा दी गई। यह है दोहरा मेयार, किसी को तो प्रोटोकॉल, जिसे आवाम पसंद ना करे उसे प्रोटोकॉल और जिसे आवाम पसंद करे उसकी पार्टी पे इस तरह के एलिगेशन। तो देखते हैं 28 जनवरी को क्या होता है। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपने शहर से आपको तमाम चीज़ लाइव और हकीकत बताऊँ कि यहाँ पर पीटीआई के जलसे में क्या हुआ। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।